जो फ्रेम दे रखा है ना, बस आप लोग लुक देखो एक बार फ्रेम के, ऐसा फ्रेम कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंडिया। बेस के लिए यूज होता है, या कॉपर होता है, एक अल्मोनियम होता है, हाँ। ठीक है, उससे भी ऊपर होता है ये CCW। अच्छा, CCW इस टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांडिंग में ये मॉडल, इसका मॉडल नंबर है ZX। इंडिया में ऐसी नेटवर्क मिल ही नहीं सकती। इंडिया में हाँ जी, भैया के पास मिलेगी, लेकिन आना हमारे पास पड़ेगा। मिलेगी। मेरठ बड़ौद वाले ये बहुत अच्छे डीजे वाले हैं, वो यूज कर मिलेगा। जी, लेकिन हमने अच्छा, ये मेटल है, एल्युमिनियम देखो लिया। आवाज मेटल आ रही है साफ साफ। जी, मेटल की है, कितना अच्छी वो होती एल्युमिनियम की होती है, है एल्यूमिनियम की होती जी, है ना। लिए हम 1 साल की गारंटी गारंटी देते देते हैं, हैं, वारंटी नहीं। वारंटी नहीं, गारंटी। तो भैया इसमें सबसे पहली बात तो ये है, 300 वाट में किसी में भी हमें एम्पलीफायर दिखाई है, तो देखो भाई कुछ इस तरीके से होता है इनका एम्पली। डिजिटल क्रॉसओवर क्या होता है भैया? ये होता है सर 260। पंजाब से आए थे, 500 वाट का लेके गया आपको बता दे। फाइनली गाइस, फिर से वेलकम आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे, मेरे एक्सप्लोरर्स। एंड गाइस, आज मैं आ गया हूँ आप लोगों को यार दिल्ली की डीजे मार्केट घुमाने के लिए। एंड आप लोगों को पता ही है यार, हमारे दिल्ली की जो मार्केट है, मोस्ट फेमस मार्केट है हमारे इंडिया में। एंड साथ ही में गाइस, आज जो हम शॉप पे आए हैं यार, उस शॉप का जो नाम है ना, आप लोग बस देखिए कि नाम है उस शॉप का ATI प्रो ऑडियो के नाम से। एंड साथ में आप लोग बताए, ऑल डीजे आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोगों को बताते हैं भाई, ATI जो एक कंपनी है भाई, ये इटली की ब्रांड है। तो चलिए भाई भैया से बात करते हैं, बट जाने से पहले यार देखो, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मेरा यही मानना है कि यार आप लोग वीडियो देखते हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब भी करो, ताकि मेरी मेहनत बेकार ना जाए। तो लेट्स गो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो देख के बताना कैसी लगी कमेंट करके, लेट्स गो। सो फाइनली गाइस, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है इमरान भैया। तो इमरान भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। अच्छा, तो भैया आप थोड़ा अपने, मतलब मेरे को अपनी कंपनी के बारे में बताइए। ये कंपनी मेनली आपकी जो शॉप है वो कहाँ पर है, और आप कौन कौन सी कंपनी में डील करते हैं, पहले तो ये बताइए। हम ओनली ATI प्रो में डील करते हैं, जो कि 40 साल पुरानी कंपनी है। 40 साल ज्यादा अब हो गए। ये ATI प्रो इटली का ब्रांड है जो कि हम बेचते हैं। देखो भैया, एक्चुअली में 40+ ईयर्स हो गए हैं इस कंपनी को। एंड आपके पास कब से है भैया ये? हमारे पास लमसम हो गए 15-20 साल हो गए। अच्छा, 15-20 साल से। देखो भैया, भैया ये इस कंपनी को यहाँ पे इन्होंने फ्रेंचाइजी ली हुई है, क्योंकि इटली की ब्रांड है, यहाँ पे फ्रेंचाइजी ही मिलेगी। एंड दिल्ली में आपकी लोकेशन एक बार बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा भैया। शॉप नंबर है 1606 दीवान हॉल रोड, नियर मोती सिनेमा। अभी देखो आप लोगों को जो है, हम लोग दिखाने वाले हैं थोड़ा ATI प्रो के जो ये एम्पलीफायर है, इन्हें सेट्स किया जाता है। एंड साथ ही में ये HF होता है, स्पीकर है यहाँ पे। देखो भाई कितना बड़ा स्पीकर रखा हुआ है, और ये सब ATI प्रो का है। एंड थोड़ा सा आप लोगों को भैया कैटलॉग दिखाते हैं, तो भी देखो कैटलॉग में जो है भाई, ये ATI प्रो जो है इन पे स्पीकर्स में डील करती है। एंड एम्पलीफायर का दिखाओ भैया, थोड़ा सा एम्पलीफायर में डील होता है इसमें, और मतलब काफी सारी चीजें हैं। मैं बताऊँ आप लोगों को ATI प्रो की, देखो सेट्स हो गए ये, काफी अच्छे अच्छे सेट्स है। अभी भैया ने भी खरीदे थे बाहर जो आए थे भैया, एंड पंजाब से आए थे, 500 वाट का लेके गया आपको बता दे। और मतलब काफी भैया नाम सुनते आए कि अरे भाई वीडियो कॉल वगैरह करते हुए आए हैं भैया की शॉप तक। एंड ये देखो भाई, ये दे रखा है इन्होंने ये सारे एम्पली। माइक भी अवेलेबल है इनके पास, माइक होगा। ये क्या होता है? ये डिजिटल क्रॉसओवर क्या होता है भैया? ये होता है सर 260 डिजिटल क्रॉसओवर होता है, जो कि प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करते हैं इसमें, उसके अच्छा। लिए होता है। जैसे ये 2 वे हो गया, 3 वे हो गया, इसी में डिजिटल क्रॉसओवर है। अच्छा, और उसमें भी रील करते, देखिए सारे जो इसमें एसेसरीज होती है माइक से रिलेटेड हो गई, एंड मतलब कोई भी हो, XYZ जितना भी आपका है यहाँ पे सारी है अवेलेबल। और भैया ने आपको शॉप नंबर बता दिया, शॉप का नाम बता दिया, हमारे साथ मौजूद है इमरान भैया। एंड ये था कैटलॉग भैया, कैटलॉग को थोड़ा साइड में रख लेते हैं। अब थोड़ा मैं एम्पलीफायर दिखाई है, तो देखो भाई कुछ इस तरीके से होता है इनका एम्पलीफायर, और ये होती है इनकी ब्रांडिंग वगैरह। एंड भैया ये ATI 300U है, मतलब 300U मतलब क्या है, मेरे को एक बार वाट होता है क्या होता है? ये मॉडल नंबर है इसका 300U, और इसके 300 वाट में एम्पलीफायर है। 1 साल की वारंटी नहीं, गारंटी है। अगर कुछ भी हो जाता है इसमें तो 1 साल के अंदर अंदर आप बदल सकते हो इसको। अच्छा, तो ये जो भी एक्सचेंज वगैरह का है सब आपके पास ही है, कोई कंपनी जाने की जरूरत नहीं है, या कंपनी जाना पड़ता है? नहीं, कहीं नहीं, शॉप पर से आपका चेंज हो जाएगा एक्सचेंज। अच्छा, देखो भाई शॉप पर से चेंज हो जाता है अगर आपके भाई किसी भी चीज में होती है दिक्कत, और हर चीज की यहाँ पे गारंटी मिलती है। कोई ऐसा कोई एक्सेसरीज है जिसकी गारंटी ना हर हो? चीज की नहीं होती, ये खाली ये जो इंडियन एम्पलीफायर होते हैं इनकी होती है, बाकी स्पीकर की कोई गारंटी नहीं होगी, HF वगैरह की इनकी कोई गारंटी नहीं अच्छा देखो, HF और ये जो स्पीकर रखा है भाई इतना बड़ा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड ये जो एम्पलीफायर होता है देखो, मेन यही होता है, क्योंकि इसी से सारा साउंड क्रिएट होता है, और यही अगर बढ़िया ना हो तो फिर बात ही क्या। और अच्छा भैया, थोड़ा मुझे इसके फीचर्स के बारे में बताइए, जैसे ये जो इसके अंदर दे रखे है, ये माइक 1, ये क्या क्या चैनल दे रखे हैं इसमें, थोड़ा बताइए। 6 माइक दे रखे हैं हमने, जो कि 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 6 माइक एक हाँ गाड़ी में जी, कनेक्ट कर ये सकते हैं। हाँ जी, ये AUX 1 हो गया, या AUX 2 हो गया, अच्छा, USB का मास्टर हो गया, बाकी इन सब का मिड मिड आ गया, बेस आ गया, टेबल्स आ गया, और इन सब का मास्टर ही आ गया। ये ठीक सब है, मतलब जितना भी होता है ये कस्टमाइज इससे हम कर सकते हैं। बिल्कुल।
अच्छा, और जो इसके बैकवर्ड में दे रखा भी है, क्या दे रखा है, स्पीकर कहां से कनेक्ट होता है, आप मुझे दिखाएं। बैकवर्ड में इसमें सबसे पहली बात तो ये है, 300 वाट में किसी में भी फैन लगा हुआ नहीं आता, हमारी कंपनी इसमें फैन देती है जिससे कि हीट ना हो, कहीं नहीं मिलता, कोई सा भी आप एम्पलीफायर ले लो उसमें आपको ये फैन नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी कंपनी इसमें 300 वाट में भी फैन दे रही है जिससे कि हीट ना हो, इसीलिए हमारे अपने प्रोडक्ट पे फुल कॉन्फिडेंस है, इसलिए हम एक साल की गारंटी देते हैं, वारंटी नहीं गारंटी। इधर आ गया आपका वोल्ट लाइन पे जिसपे की आप वो ट्रम्पेट बजाते हो, जिसे बोले तो तोरई कहते हैं, वही इसमें यहाँ चलाते हैं, यहाँ इसमें बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे बॉक्स हो गया, स्पीकर हो गए, वो यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, स्पीकर वगैरह सब बॉक्स को यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे तुरई होती है जो वो लंबी सी निकली रहती है, स्टील की होती है, स्टील की होती है, वो कौन सी चीज है, इसके अंदर ये फैन लगा हुआ है। हाँ जी, ये मेरे ख्याल में कितना कुछ इसका भी वॉट होता है या फिर ये नॉर्मल, ये देखो ना आप, यहाँ पे इसके वोल्ट लिखे हुए हैं, 230 वोल्ट एसी 10 एम्पीयर में। अच्छा, 10 एम्पीयर में। हाँ जी, ये सारा इस पे मेंशन है, और ये इसमें 12 वोल्ट की डीसी पावर से भी ऑपरेटेड है ये। अच्छा, आप मेरे को बताइए कि इसमें हम कितनी हैवी बेस यूज कर सकते हैं, अगर कोई बेस का जैसे वॉट होता है। ये बेसिकली ये बेस के लिए नहीं होता है, ये होता है जैसे छोटा सेट है 12 इंची चलाने के लिए, 10 इंची 12 इंची मेनली स्पीकर्स के लिए यूज होता है। हाँ जी हाँ जी, और बेस के लिए दूसरा है, वो जो बेस के लिए फिर वो बड़े बड़े एम्पलीफायर होते हैं, 3000 4000 5000, वो अलग अलग रेंज के आते हैं और अलग अलग वाटेज के आते हैं और अलग अलग कंपनी के होते हैं। नहीं, कंपनी सबकी ATI प्रो मिलेगी, ओनली हम ATI प्रो में ही डील करते हैं, इसके अलावा और कोई ब्रांड नहीं होता हमारे पास। अच्छा, चलिए, ये तो ATI प्रो और योगी प्रो। अच्छा, ये थी एम्पलीफायर की बात जी। अब जो आप हमें थोड़ा HF के बारे में बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, HF, क्योंकि देखो HF के बारे में मुझे खुद इतनी पर्सनली नॉलेज नहीं है, मैं आपको बता दूं सच, एंड आप थोड़ा HF के बारे में हमें बताइए भैया। ये देखिए भैया, ये जो HF है ये 110 वाट की HF है। अच्छा, हाँ जी, ATI प्रो की 110 वाट HF है, इसका फ्लैट वाल डायफ्राम है। अच्छा, और ये ब्रांडिंग इम्बोश हुई है ATI प्रो में ना, इम्बोश है ये। अच्छा अच्छा, हाँ जी, और फ्लैट वाल इसमें डायफ्राम है, मतलब इसका इसके अंदर क्या होता है, ये छूटता नहीं होता, नहीं ये छूटेगा नहीं, ये इसी में इम्बोश है। और ये जो ये मेटल में, इसका कैप जो है ये मेटल में, एल्युमिनियम में होता है ये, बाकी जो अदर ब्रांड लोगे ना आप तो उसमें ये प्लास्टिक का कैप मिलेगा आपको। अच्छा, प्लास्टिक का कैप मिलेगा जी, लेकिन हमने ये मेटल में, देखो आवाज आ रही है साफ साफ मेटल की, कितना ही मान लो और अपने हाथ में लगेगी। और अच्छा, इसके अंदर जो वो रहती है वायरिंग वगैरह, वो वायरिंग का बताइए मुझे, कौन सी उसकी होती है। इसमें डायफ्राम है, फ्लैट वायर में है, जैसे बेसिकली नॉर्मल जो डायफ्राम आता है राउंड वायर में आता है, लेकिन इसमें हमने यहाँ देखिए सैंपल में दिखाया भी है, डब्बे के ऊपर मेंशन किया हुआ है, ये फ्लैट वायर डायफ्राम मिलेगा, जो कि बहुत बढ़िया डायफ्राम है, बहुत बढ़िया HF है, ये हमारे जो मेरठ बड़ौद वाले ये बहुत अच्छे डीजे वाले हैं वो यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा ये रिस्पॉन्स रहता है उनका इस HF को लेके। अच्छा, एक बार अभी HF थोड़ा सीधा करके दिखाते हैं थोड़ा किस तरीके से, और काफ़ी भारी है भैया ये तो उठाने में भी, देखो भाई ये होता है HF कुछ इस तरीके से, एंड मेनली जो इसका यूज होता है भैया वो वॉइस के लिए होता है, क्लियरिटी से एक आवाज आती है, जो ये ट्रेवल्स के लिए इसका यूज किया जाता है, ट्रेवल के लिए ना, जो दोनों छनकार होती है, छन छन छन, ये उसी के लिए मेंटेन करता है वॉइस को, है ना, मेरे हिसाब से जो एक होती है ना एक थोड़ी आवाज आती है फटी फटी सी, उसे मेंटेन करने के लिए यूज होता है एक मिड, देखो इसका अपनी जगह रोल होता है, जैसे मिड के लिए बेस के लिए हम बड़ा वाला स्पीकर लगाते हैं, मिड के लिए 15 इंची लगाते हैं, तो ऐसी झनकार के लिए हम इसको यूज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, HF का देखो भाई ये यूज होता है, देखो इतना मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि HF वगैरह के बारे में, एंड अभी इस लाइन में आया हूँ तो धीरे धीरे आ जाएगी समझ, एंड काफी भारी है भाई ये उठाने में। और ये जिसका वाट वगैरह ये क्या वाट होता है भैया, ये 110 वाट होता है। अच्छा हाँ जी, 120, अच्छा 110 वाट का है ये, और ये सब इटली वगैरह से ही है, सारा इम्पोर्टेड है, सारा इम्पोर्टेड है भैया, और इसकी नेक्टवर है ये भी इम्पोर्टेड है, आप देख सकते हो इंडिया में ऐसी नेक्टवर मिल ही नहीं सकती इंडिया में। हाँ जी, भैया के पास मिलेगी लेकिन आना, हमारे पास मिलेगी इंडिया में मिलेगी लेकिन भैया की शॉप में जी जी बिल्कुल। और इसका, अच्छा इसका जो यूज रहता है वो किस चीज में यूज रहता है, वो इसी के लिए यूज होती है HF के लिए। अच्छा हाँ जी, ये भी 110 वाट की नेटवर्क है, वो इसी के लिए यूज होती है ताकि ये उसका डायफ्राम जो उड़े ना और बेटर क्वालिटी इससे दे, बेटर क्वालिटी और ताकि इसके अंदर कोई इशू ना आए। हाँ जी, अच्छा ठीक है, तो देखो भाई ये था ये सब एम्पलीफायर, ये HF और ये इसको क्या बोलते भैया, नेटवर्क प्लेट, नेटवर्क प्लेट बोलते हैं। अब बात आती है इस बड़े स्पीकर की, तो इस बड़े स्पीकर को उठा के हम लोग यहाँ रख लेते हैं और इसको थोड़ा साइड कर देते, तो अब बारी आ गई है देखो भाई बड़े स्पीकर की, बड़े स्पीकर की बात करें तो भैया कितने इंची का स्पीकर है पहले तो ये बताइए।
ये 18 इंची का स्पीकर है। 18 इंची का स्पीकर है जी। अच्छा। इसके 18 इंची का स्पीकर है और कौन आप देख सकते हो इतनी बढ़िया कौन है। 4.5 इंची वो इसको वाले इस टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांडिंग में है ये मॉडल। इसका मॉडल नंबर है ZX 18-1600। यहाँ देख सकते हो आप हीटिंग है। आप कितना भी यूज करें ये कॉइल को हीट नहीं होने देगा। इसके कॉइल के अंदर उसमें CCAW यूज होती है इन आउट में कॉइल इसकी। अच्छा क्या डिफरेंस रहता है उसका? उसका एक भैया कॉपर होता है, एक होता है, ठीक है, उससे भी ऊपर होता है CCAW। अच्छा CCAW उससे भी ऊपर होता है? हाँ जी। अरे भाई भाई, अच्छा अगर किसी को जैसे अगर हमारे जो कोई सब्सक्राइबर है उन्हें अगर कुछ सामान मंगवाना हुआ आपसे तो आपका थोड़ा मतलब रहता है डिलीवरी वगैरह का या कैसे यही आके परचेज करना पड़ेगा? देखो छोटा मोटा अगर सामान है जैसे की जो बंदा यहाँ आ नहीं सकता तो हम वो हमें ट्रांसपोर्ट का बस वगैरह में ट्रांसपोर्ट का नाम बता देते हैं, इस ट्रांसपोर्ट पे हमारा सामान भेज दो। अच्छा, पेमेंट करा देते हैं हम उनसे, पेमेंट रिसीव करके उनका उस ट्रांसपोर्ट पे माल लगवा देते हैं और उन्हें बिल्टी नंबर व्हाट्सएप कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, वो वहाँ से अपना छुड़ा लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा मेरे को थोड़ा बताइए अब जो इसके अंदर जो पावर लिखी हुई है ये लिखी हुई है 1600 वाट की। हाँ जी। तो 1600 वाट की ये पावर, 1600 वाट की ये पावर जनरेट करता है एंड इसका जो भैया मेन काम रहता है, इसका मेन काम बताइए किस चीज के लिए? ये जो यूज होता है ये बेस के लिए यूज होता है। जो लोग कहते हैं हमारे में डीजे में बेस नहीं आ रहा तो ये 18 इंची उसके पर्पस से यूज होता है। 18 इंची उस पर्पस से यूज होता है जिसको ऐसा लगता है भाई बेस वेस ना आती हो तो एक बार आके ले जाओ और फिर बताना बेस आ रही है नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए मेरे को ये भी IT Pro का ही आपके पास सारा सामान? देखो IT Pro हमारे पास 18-451 इसका मॉडल नंबर है। हाँ जी। और ये आप देख रहे हो जी जो फ्रेम है ये यूनिक फ्रेम है। हाँ। पूरी इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें चेसी में एम्बोज हुआ है ATI Pro। ये पूरी ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, अगर मिलेगा तो ओनली ऑल ATI Pro का ही मिलेगा। और शॉप नंबर बता ही दिया कहाँ मिलेगा, शॉप नंबर आपको पता। अगर प्राइसिंग की बात करें इनमें से अगर कोई भी चीज हो जैसे ये स्पीकर है आपके फिक्स प्राइस रहते होंगे मेरे हिसाब से या कुछ हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे नेगोशिएट? ये तो फिक्स प्राइस होते हैं। अच्छा फिक्स प्राइस, इसकी क्या प्राइसिंग रहती है? या ऐसा है वीडियो में प्राइस हम नहीं बता सकते। अच्छा, क्योंकि आपको पता ही है जब बाहर से माल आता है तो कभी डॉलर चढ़ता भी है कभी उतरता भी है तो कभी हाँ जी। तो इसमें होता क्या है अगर हम वीडियो में प्राइस बता देते हैं तो कहते हैं सर आपने वीडियो में ये रेट बताया था, फिर डॉलर ऊपर चढ़ता है तो हमारे यूट्यूबर जो भाई हैं उन पे थोड़ा सा। सही बात है, सही। देखो सबका अपना अपना, देखो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, सबका अपना काम है। और काफी अच्छी बात होगी, देखो भैया ने, देखो किसी का नुकसान ना हो, किसी भी कोई किसी तरह से यूट्यूबर कोई परेशान ना करे क्योंकि डॉलर के ऊपर रेट होता है सबका। कल को हाई हो जाए तो ये अगर 20,000 का है तो 30 का मिल जाए और अगर कल को हो सकता है कम हो जाए 20-10 का हो जाए, वैसे कम होने के चांसेस है नहीं। एंड ये देखो भाई ये था कुछ हमारे स्पीकर एंड हमारे साथ मौजूद थे इमरान भैया। और इमरान भैया आपका काफी थैंक यू एंड सच लो आपको बताया भाई काफी बड़ी शॉप है इनकी, बट हमने अगर एक्चुअली में अंदर आके क्यों बनाया वो इमरान भैया से पूछते भैया बता दो अंदर आके क्यों बनाया ऑफिस में। हमने इसलिए अंदर आके बनाया है, आप देख रहे थे कस्टमरों की कितनी भीड़ लगी हुई थी, कोई वहां पे वीडियो बनाने नहीं देता, कोई इधर से रेट कोई इधर से रेट। और अब भी वीडियो बनाते बनाते 4-5 फोन तो बज गए होंगे। वो तो देखा ही। तो अभी लड़का भी बार बार आ रहा है तो कस्टमरों की काफी भीड़ लगी हुई है तो मैं भी जा रहा हूँ अभी थोड़ा सा कस्टमर देखे। सो फाइनली गाइस देखो भाई ये था ATI Pro का भाई काफी बढ़िया स्पीकर एम्पलीफायर एंड साथ ही में भैया ने HF वगैरह भी दिखाया हमें और काफी बढ़िया इनकी भाई फिनिशिंग वगैरह और जो फ्रेम दे रखा है ना बस आप लोग लुक देखो एक बार फ्रेम के, ऐसा फ्रेम कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में भैया की शॉप के अलावा। एंड अगर भैया थोड़ा बहुत अगर किसी को आपको दिखाना हो या लेना हो तो आप लोग आ सकते हैं भैया की शॉप पे और मैं उम्मीद करूंगा भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था और ये हमारे साथ मौजूद थे इमरान भैया। तो इमरान भैया थैंक यू, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपसे नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा भैया मैं दोबारा हूँ आपसे मिलने। सो थैंक यू सो मच फॉर आपने हमें अपना पूरा टाइम दिया, थैंक यू भैया।